एसीबी जिले के एकमात्र नगर पालिक निगम चिरमिरी के पौड़ी क्षेत्र लंबे समय से अवैध कोयला कारोबारों और उत्खननों से लिप्त नजर आ रहा है, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हर बार सिर्फ यही कहकर मामले को शांत कर दिया जाता है कि पौड़ी क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, मगर पौड़ी के 7 नंबर खदान के अंदर अवैध कारोबारियों द्वारा कोयले को भारी मात्रा में स्टॉक किया जा रहा है। निरंतर रूप से कोयले का अवैध कारोबार सुचारू रूप से चालू है। इस नजारे को देखते हुए अब शासन प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह के अवैध कृत्यों की जानकारी शासन प्रशासन को क्यों नहीं मिल पाती है, और अगर इसकी जानकारी शासन प्रशासन को है तो फिर ऐसे अवैध उत्खनन और कारोबारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या किसी तरह की राजनीतिक संरक्षण दी जा रही है जिस पर ऐसे अवैध उत्खनन हुआ कारोबारों पर अंकुश लगा पाने में असमर्थ नजर आ रही है। सर, ये पौड़ी खदान जो 7 नंबर में आता है, जो काफी दिनों से बंद है, उसमें अवैध रूप से कोयला उत्खनन हो रहा है प्लस परवाहन भी हो रहा है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? पौड़ी 7 नंबर खदान जो है काफी वर्षों से बंद है। अब ACCL का कहना है कि हमारा वहाँ कोई कोयला वैसा है नहीं, कोयले का अवशिष्ट जो है वहाँ पड़ा हुआ है, पुराना ढेर लगा हुआ है पत्थर उत्थर से पूरा। तो अभी तो ऐसा कोई शिकायत हमारे पौड़ी थाना में नहीं आई है कि कोयला का उत्खनन हो रहा है। यदि ऐसा आप लोग शिकायत कर रहे हैं तो चेक करके और निश्चित रूप से कार्रवाई किया जाएगा। और इसके लिए ACCL को भी पिछले साल भी कई बार पत्राचार किया गया था कि उनके द्वारा अगर ऐसा कुछ अवशिष्ट छोड़ा गया है तो उसको कोई धोए ना निकाले ना, उसके लिए गड्ढा खोदकर पूरी तरह से रोकथाम कर और रोकने की कोशिश करें, साथ में गार्ड भी अगर होते हैं तो वो भी गश्त करें। नहीं, देखे अनुसार काफी मात्रा में कोयला का स्टॉक रखा गया है सर, उसका परवाहन भी हो रहा है। और थाना प्रभारी के पास कंप्लेन आ रही है कि सर यहाँ से अवैध कोयला का उत्खनन होता है, जिसमें थाना प्रभारी या थाना स्टाफ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसमें क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं है, मुझे अभी 1 साल हुआ है, उसके पिछले 2 साल का जो रहे हैं वो बताएंगे। पिछले साल खनिज विभाग के द्वारा 2-3 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया था पुलिस की साथ में, मतलब उपस्थिति में, और उन पर कार्रवाई की गई थी। लगातार रास्ते में जो है हम लोग गड्ढे खुदवाते हैं, बड़े गड्ढे, ताकि कोई भी वाहन वहाँ प्रवेश ना कर सके, और रोकथाम करने का पूरा प्रयास किया जाता है। जिसमें एक अभी एक नई बात आई है साहब कि मतलब कि एक खबर लगाने के बावजूद एक पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला करने का या फिर उसको जान से मारने की धमकी दी गई, इस पे आप क्या करेंगे? ऐसा मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आया है पौड़ी क्षेत्र का।